भाइयों को जयदेव, जय माँ भवानी और जय छात्र धर्म। तो भाइयों कल नसीराबाद से, अजमेर जिले के नसीराबाद विधानसभा से बवर सिंह पोलाड़ा, जिन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई है राष्ट्रीय जनलोक पार्टी, वहां से नामांकन भर दिया है। हजारों की तादाद में लाखों लोग उसमें शामिल हुए और आप सभी क्षत्रियों से ये विनती है कि अपने लोगों को अगर ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाना चाहते हो तो इनको वोट दो नसीराबाद से। वहां पर ना तो बीजेपी ने और ना कांग्रेस ने किसी क्षत्रिय को उतारा है। आप सभी जितने भी आपके वोट बनते हैं 30 से 40 हज़ार, पहले तो सभी क्षत्रिय अपने वोट डालें और जिन क्षत्रियों ने सबकी बाकी कौमों की माँ बहनों की रक्षा की वो भी अपना कर्ज उतारे, क्षत्रियों का वोट डालकर वो कर्ज उतारने का काम करें। टिकट टिकट क्या हो गया, टिकट पे कुछ नहीं है। हमें ताकत होगी तो आप टिकट भी दिखा दोगे। 2003 में हमने चुनाव लड़ा, 30,000 वोट आए कि नहीं? उस समय में कोई ज्यादा वोटों से थोड़ी आ रहे हैं। अगर और ताकत से लग जाते तो अपन 3-4 हज़ार वोट तो लेने ही थे अपने को, 3,000 वोट। तो आप में इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी ताकत है, काम से तो उदाहरण सीखो। पड़ोस में आपके किशनगढ़ से जब 2,000 वोट जिसके नहीं है समाज के, वो 17,000 वोट से जीत सकता है। जिस समाज के 20 से 25,000 वोट है, रावणा राजपूत अपने साथ है, अपने साथ चारण अपने अपने सारे साथ है, और अपने सारी जातियां अपने साथ है, ऐसी भी साथ है, तो फिर आपकी ताकत बहुत बड़ी है। क्या 8 विधानसभा में आप अलग नहीं जगा सकते? इसलिए थोड़ी सी दो झटका और अपना जो साथ है उसका साथ दो। बाकी कोई पार्टी का साथ देने की आवश्यकता नहीं है। एक बार इसको पलटा मारो, इस बार इसको हराओ, एक बार इसको हराओ, आप तो एक काम शुरू कर दो और हराना शुरू कर दोगे तो आपसे सतर्कने लगेंगे। डरते नहीं हराने वालों से, आप हराओ बचीट ठोको, अभी की बार इसको बचीट, अभी बार इसको, किसी के गुलाम मत बनो और पलटी दे मारो। अगर आप में ताकत ही नहीं है गाड़ी मर गया हो तो हराने की ताकत कर लो आप, अपनी जिताने की ताकत कर सकते हो तो करो। और अपने को आज अजमेर जिला ही नहीं, आवश्यकता पड़ी तो यहाँ का अजमेर जिले का, जिस धरती से, अजमेर की धरती से वर्मा का पूरे भारत में नाम लिया जाता है, जिस पृथ्वीराज चौहान का शासन अजमेर से लेके दिल्ली तक राज हुआ था, उसी प्रकार से मैं यहाँ कहना चाहता हूँ इस पुष्कर की धरती से यहाँ का प्रत्येक राजपूत और प्रत्येक जनता का एक एक कार्यकर्ता पृथ्वीराज चौहान और वर्मा के सेवक बन करके पूरे भारत और देश के नाम करेंगे। अंदर से वर्मा की नगरी बैठे हैं, किसी के गुलाम मत बनना, पट्टे दुपट्टे किसी के मत पहनना, केदार किसी की मीटिंग में नहीं जाना है, ना कोई रैली ना कोई शैली किसी में नहीं जाना है। क्या हमारा समाज का अधिकार मिलेगा, हमें लगेगा कि हमारा समाज को मान सम्मान मिला है वहां हम जाएंगे। क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा? आपका मान सम्मान मिले वहीं जाओगे या आपका मान सम्मान पकड़ी घेर के होंगे दूर तक आप चाटुकारी करोगे? चाटुकारी तो नहीं करने की इच्छा आपकी, हमें चाटुकारी नहीं करनी है, हमें चमचागिरी नहीं करनी है। और जो चमचागिरी मेरे जैसे लोग गुलाम, जो राजनीति के गुलाम है उनको आप छोड़ दीजिए, उनको फ्री कर दो, क्या आप अपनी करिए, जहां हमें लगेगा कि हमारा आदमी है, हमारा साथ देने वाला है, चाहे वो राजपूत हो चाहे कोई भी हो, हमारा साथ देगा उसके साथ हम खड़े रहेंगे। पहला हमारा समाज का व्यक्ति होगा, दूसरा हमारा समाज का साथ देने वाला होगा, उसका साथ देंगे हम। ये चाहे आपके पास में हमारे लोग आएंगे जो ऊपर राजनीति में चमचागिरी करने वाले, मेरे जैसे लोगों को भेजेंगे, आपको कहेंगे आप तो बीजेपी में सारे चले जाओ, तो बीजेपी के शुरू से बीजेपी के आदमी है, हम तो बीजेपी ने हमने पाला है, हमें तो जो रोटी दे रही है वो बीजेपी दे रही है, हमें तो कांग्रेस रोटी दे रही है, हमने तो कांग्रेस ने हमें पाला है, सब कुछ हमें कांग्रेस दे रही है, और हम तो गुलाम बन जाओ और हमें बीजेपी को वोट देना है, कांग्रेस को वोट देना है, जहाँ राजपूत हित की बात होगी वह राजपूत वोट देगा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ किसी की कोई गुलामी करने की आवश्यकता, क्या मैं सही बात कर रहा हूँ, क्या कोई गलत कर, आपको उंगली नहीं लग रही है मेरी बात? ये तो नहीं कहा बीजेपी को वोट देना नहीं या कांग्रेस को वोट दे देना, मैंने कहा जहाँ राजपूत की हित की बात होगी वहां वोट देना। ये सब लोग हम जादव से नीचे बैठे हैं वो ऊपर हमारे सम्मानित है, और आप नीचे बैठने वाले जो तय करोगे वो जाजम तय करेंगे, क्योंकि